नाजिर मेट्रोवन ऑन द स्पॉट की टीम कर रहा है, जिसमें सब डिवीजन शाह फैसल में मौजूद हैं। ये कोरंगी ज़िले का सब डिवीजन है और असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हैं मीडिया में और मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे से इस हम इनके साथ प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो आज मेरे साथ शाह फैसल टाउन में ये करेंगे। हम जाएंगे तो SOP क्या होगी? जी, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे एक नंबर मार्केट की तरफ। वहाँ पे आपको जो सब्ज़ी, फ्रूट, आपके मीट है, चिकन है, सब एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि कमिश्नर कराची की लिस्ट के मुताबिक अशिया जो हैं वो बिक रही हैं कि नहीं बिक रही, और उसके जो भी वायलेशंस होंगी उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, और जाके बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको भी देखते हैं। इंशाल्लाह चलते हैं, आपका हमारा साथ काफ़ी पुराना है, इंशाल्लाह आज भी हमारा एक अच्छा जो है वो इनिशिएटिव होगा। ठीक है, चलते हैं नासिर। जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि प्राइस चेकिंग देखेंगे, ग्राफ फ्रोशी के हवाले से क्या सूरत हाल है। नाजिर मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमारे सब में शाह फैसल टाउन में मौजूद हूँ, और एक नंबर है ये शाह फैसल टाउन का, और यहाँ पे सब डिवीजन के शाह फैसल टाउन की असिस्टेंट कमिश्नर आसमा बतूल मेरे हमरा है, और हम भी देखते हैं कि माह रमजान मुबारक में ग्राफुरशी की सब डिवीजन शाह फैसल में क्या सूरत है। इधर इधर रुको, इधर रुको। हाँ बेटा, कैसे दे रहे हो? हाँ जी, ये चिकन की दुकान है, किसी ने यहाँ खरीदी है 570 में? क्या सब चल रहा है? 500 रुपए? यहाँ पे कोई खरीदार हो तो बता दो। हाँ वही ना, तब बता। और लाइव मुर्गी कितने में दे रहे हो? जिंदा मुर्गी कितने में? 380 रुपए। रेट हमारा 320 है, 380। जिंदा मुर्गी का क्या रेट है? 320 है मेरे ख्याल। 368 है। कितने में दे रही है? 380 दे रहे ना इसको। हाँ भाई, 380 है जिंदा मुर्गी, तो तुम कैसे दे रहे हो? 380 है, तुम 380 में दे रहे हो ना? 360 है रेट। हाँ तो तुम 380 पे क्यों दे रहे हो? हाँ 380 पे क्यों दे रहे हो इसको? इन्होंने मेरे को, सर मैंने अभी इनसे एक किलो लिए, इन्होंने ये 1 किलो 10 कम 600 रुपए की बोल दी। 590 रुपए? जी हाँ, 590 रुपए की 1 किलो लिए मैंने। इसको बकाया वापस करो भाई। 1 किलो ना अभी अभी मैंने लिए, इसको जुर्माना भी करो। फाइन तो करते इसको। 590 रुपए? जी 590 रुपए लिए 1 किलो दिए अभी भी। नहीं नहीं, मेरे को इनसे ज्यादा यार, ये कलेजी पोटा के चक्कर में ना फंसाओ। गवर्नमेंट का रेट है 570 रुपए, उसमें ही देना है। इसको फाइन करें, कलेजी पोटे के चक्कर में ना फंसाओ हमें। और दूसरी बात है कि एक बात बताओ, आपको ये इतला इनको मिल गई थी आप आ रही हैं, इन्होंने सबने रेट यहाँ से हटा दिया है, वरना इनके स्लेट पे रेट तक रखे हुए होते हैं। तो अब हमें मिल गए ना, यहाँ पे विटनेस भी तो मिल जाते हैं। सारे के सारे जो रेट को बढ़ा दिया उन्होंने। चिकन के रेट तो बड़े हुए हैं, 570 रुपये सरकार का रेट है, लेकिन ये 600 रुपये ही में ही फ्रोत हो रहा, और ये फ्रोत क्यों हो रहा है ये यकीनी तौर पे हमें मालूम करना पड़ेगा। ये मुस्तकिल रिटेली का उसूल है। ये बराबर वालों ने भी 600 रुपये रेट बताया मुझे। अच्छा, आगे वाले ने कह रहे 600 रुपये किलो चल रही है, मैंने कहा यार, फिर मैंने इनसे पूछी, उन्होंने 590 बताया। यहाँ पे कोई रेट लिस्ट वगैरह नहीं लगी हुई? नहीं लगी हुई सर, रेड लिस्ट तो अभी हमने इनकी उतारी है, ये लगी हुई थी। नहीं तो आप बंदा जो है ना, वो वहाँ जाकर घुस के तो नहीं देखेगा ना? बिल्कुल, ये तो स्लेट वगैरह पे डालते हैं ना, लिखा हुआ होता है चौक से, तो वो कर दिया आपने जुर्माना कर दिया इनको? कितने किया दिखाएं इधर, बाकी पैसे जी बाकी पैसे दें इनको, 1 किलो के 20 रुपये वापिस करें इनको। ये इनको दे दें, ये भर के ले आए आप? इनको कितने किया? 10,000। अभी तो सारे के सारे कलमा एक ही पड़ गया। यहाँ से लिए कितने में लिए? 570। पहले भी इतने में लेती हैं? नहीं, पहले कितने मिलती है? महंगी थी। कितने? 600। और आज 570 मिल रही है। हाँ भाई बताओ, रोजे के साथ हो, झूठ नहीं बोलना। 370 370 बेच रहे हो तो बिकवा देती हूँ अभी।
मतलब ये कि ये तो खैर अभी डर के तुमने कर दिया। हाँ हाँ, ये गांव आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है, पूरे मार्केट ये कह रही है कि 600 से कम का है ही। 570 सर बिकवा सकते हैं आप खड़े होकर बैठ के बिकवाएं। आप कौन हो? आप कौन है? अच्छा, आप दुकान के मालिक हो? दुकान का मालिक हूँ, अनपुरेश्वर नाइट सदर हूँ। चले 570 रुपए बेच रहेंगे, चाहे आप बैठ के बिकवा सकते हैं। अब आप तो ये कह रही है भाई कि 600 रुपए किलो बिक रहा है, ये तो अभी मजिस्ट्रेट है, पुलिस से, मीडिया से आप बेच रहे हैं। 550 भी बिक रहा है, वो नंबर दो लोग बेच रहे हैं। उसमें क्या होता है? उसमें आप देखें जाके कांटे में हेरा फेरी है। ये बाजू का रेट है 400 रुपए किलो का, एक आध ये रख देते हैं 500। मैं तो कुछ नहीं, मैं हेरा फेरी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ 570 रुपए सरकार का रेट है। 570 रुपए सरकार का रेट है, उसमें आप चोरी करो या चोरी ना करो वो तो आ जाए और अल्लाह जाने, अल्लाह ताला आपको इसका सजा देगा। ईमान बेच रहे, ईमान बेच रहे, उसमें तो बंदे का कोई कसूर नहीं। मुर्गी बेच रहे, ईमान नहीं बेच रहे, सब बेफिक्र आप खड़े हो गए। जो है वो आदमी यही कह रहे हैं की 600 रुपए बिक रही है, इनकी शॉप देख लें, दिखा दें इनकी कि ये 570 बेच रहे हैं। अगर किसी को कंप्लेन हो तो यहाँ आके हमें बता सकते हैं। चले ठीक है, आप कह रहे हैं तो आप चलो बेहतर कह रहे होंगे। क्या सर चल रहा है? 600 पकड़ लिया, 700 रुपये। कोई है यहाँ पर खरीदार जो 600 रुपये में ले, जो 700-750 रुपये बिक रही होती है? और बिनाडी का 700 रुपए, बिनाडी के 700 रुपए कीमत चाहिए किसी को ले लो। हाँ, हमारी कीमत से भी कम है, वरना ये 1000 रुपए 1100 से कम नहीं होता। ये आवाम करते हैं, शिकायत हम भी करते हैं। बड़े का नहीं है, बड़े का गोश्त 600 700 कीमत होता है। ये तुम्हारा गोश्त जो है ये सही है? ये प्रेशर वाला गोश्त नहीं? प्रेशर नहीं, पहचान मिली नहीं, प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं, प्रेशर में गीला होता है। हाँ जी, कैसे रेट है टमाटर? कैसे है? 50 रुपए किलो। अबे आज की लिस्ट निकालना जरा। लिस्ट किधर है? ये है ना इनके पास। नहीं नहीं, आज की है 13 अप्रैल। किसने दी है तुम्हें? इलाके आता है यहाँ पे, फिर आप उसी लिस्ट पे बेचते हैं? नहीं, रेट पे उसी पे बेचते हो। टमाटर क्या सर है? 50 रुपए किलो। और उसका लिस्ट में कितना है? तो लिस्ट पढ़ना ही नहीं आता। लिस्ट में 53 रुपए किलो है, नहीं बल्कि ये तो आलू है। बेर वाले नहीं है यहाँ पे? क्या टमाटर दर्जा अव्वल? बेर वाले किधर है? 65 रुपए, 68 रुपए किलो। बेर नहीं है साथ? 68 रुपए किलो है। आप गाड़ी में कम में बेच रहे हैं? आप कम में बेच रहे हैं? सही बेच रहे हैं, सही बेच रहे हैं। ये कह रहे होलसेल है, ये सही मुनासिब बेच रहे हैं भाजी। आप कौन? आप कौन? मैं भी ठेले वाला ही हूँ, मुनासिब। ठेले वाला ठेले का ही करेगा ना ये बात। मुझे आवाम चाहिए जो खरीदार है, आपकी गवाही नहीं चाहिए मुझे। ठेले वाला तो ठेले की करेगा ना वो सिफारिश। वरना यहाँ पे सब्जी गली की सबसे ज्यादा कम्प्लेन होती है, क्योंकि अब रोजा आखिरी दिनों में आ गया ना, इसलिए हरा मसाला भी सस्ता हो गया जी। कैसा हो चला? पिछले 600 रुपए अड्डी वाला। और बिना अड्डी का? बिना अड्डी का 700 रुपए किलो। सारे मुसलमान हो जाते हैं? कैसा ये रेट होता है? 700। ये जो है ना मुझे 700 दे रहा है। और मजे की बात, मजे की बात मैडम, 750 रुपए जी मैंने देख लिया। और ये 700 में बेच रहा है, 50 में कम में बेच रहा है। तुम्हारे गले में मुंह पे। मैं कह रहा हूँ कि बिना हड्डी के तुम क्या साहब बेच रहे हो? 700 रुपए किलो। 500 या तो 750 रुपए बेच रहे हैं। हमारा अपना माल है, अपना माल है, बहुत जबरदस्त यार। बिना हड्डी का आपको क्या 700 में मिलता है? 750 छूट तो नहीं बोला कर, जो भैया वो सही बोल, इतना ना डर। इनका गोश्त अच्छा होता है, मुझे पता है कि गोश्त नहीं नहीं सुनता नहीं प्रेशर वाले में ये होता है कि वो पानी टिपक रहा होता है, टिपक रहा होता है। गोश्त सही है, आई नहीं बोलेगा क्या कह रहे हैं? ठीक है ठीक, ये भी कोटा वाल, ये भी कोटा वाल का नहीं है।
मेरा घर सामने। चलो ठीक है, मैंने कहा इधर से आ रहा, मैंने कहा ये भी कोटा मार। तो कौन सा दर्जा है? दर्जा अव्वल। अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने 80 रुपए भेजा। आलू हमारे भेज दी 60 रुपए। अभी बंदा तुमसे लेकर गया है, मुझे खुद मिला है वो। अभी कितने में लिए माँ आपने आलू? कितने में लिए? 50 दे रहे। ले ले, ले लिया। क्या चीज? 50 रुपए किलो की। 50 रुपए दिए? 50 रुपए दिए। ये आप लोग यहीं के लोग तो नहीं है? नहीं, 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 खरीदने आए हो? खरीदार है। मैडम इधर है, मैडम प्याज तो मैं कल 80 रुपए। इसमें क्या लिखा हुआ है आप वो देखा करो ना भाई। इधर आए मैडम, एक टमाटर क्या साहब है? ये टमाटर आम दिनों में कैसा देता है? आम दिनों में टमाटर क्या हिसाब है? मतलब आप लोग खरीदता खाते नहीं है टमाटर? नहीं खाते, आज नहीं लिए ना। मैं कह रहा हूँ इससे पहले लिए क्या हिसाब मिले? यहाँ से लेकर टूवर्ड्स, अगर एक नंबर तक आप जाती हैं जी, दुकानदारों की मिली भगत से दुकान के सामने, एक तो ऑलरेडी वो 6 फीट के एक्सेसिव उन्होंने ग्रैब किया हुआ, ठीक है। फिर आप काइंडली ऑनवर्ड्स, आप मेरी बहन और आंट जो भी देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ से एक पेट्रोल मोटरसाइकिल वाला 10 से 15 मिनट में वो टू मीच यू, बट अनफॉर्चुनेटली आई कैंट मीच यू। उसके बाद मैं गया और मैंने तमाम दुकानदारों से रिक्वेस्ट की कि देखिए रमजान शुरू होने वाला है, लेकिन ये एक ऐसा माफिया है, आप आ जाएंगी 2 दिन बाद। और मैं इलाके SHO के पास भी गया, इससे पहले वो मोहम्मद मरवा साहब थे, लेकिन इतफाक से वो मुझे मिले। लेकिन उनके बदतर मैंने कहा कि भाई इस चीज़ को कर दे, कई फटे से भी बात होते हैं, वो हॉर्न बजा रहे होते हैं लेकिन रास्ता नहीं। ऐसे ही है, सही है, आपसे एग्रीड। मैं भी देख के आई हूं, हम दोबारा ऑपरेशन करते हैं। थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और भी है सर, अगर मैं नाराज ना हूँ तो कुछ कहूँ मैं आपसे, अगर अपनी जान की अमान पाऊँ तो। सर आप हुक्म करें, ये इतनी सी जगह पर मोटरसाइकिलों को क्यों? सॉरी मेरी गलती है, लेकिन अगर आप देखिए तो दूसरे की गलती की बजाय अपनी गलती है। मैं आपसे, मैं गलत कह रहा हूँ आपसे, मुझे यहाँ से नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने सुना कि बदू साहब आई हुई है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आपसे पहले भी तमाम मोटरसाइकिल वाले मैं यहाँ से नहीं करता, मैंने सुना कि बदू साहब आई हुई है, मैंने घोष सागर भाई से कौन से लिया हुआ है, तो मैं यहाँ इसलिए कि मैम आई हुई है और मैंने सुना। घोष कैसा दिया जी? घोष कैसा दिया मुझे जी? पड़ा है तकरीबन कोई बगैर हड्डी वाला, मतलब 1100 रुपए का पड़ा है। 1100? कहाँ से लिया आपने? पीछे की दुकान से। दिखाएंगे आप? दिखाए ना हमें। हाँ मैं चलता हूँ, मुझे चले मेरे। ये देख लें 1100 रुपए चल रहा है, मुझे पता है। हाँ नहीं, मैं जो जो है 1 किलो 1.5 किलो ये 1 किलो 1 किलो 1100 रुपए का, ये मुझे 1000 का पड़ा, क्योंकि 3 पाउच उसमें बिक रहा है, हड्डी वाला है। यही बिक रहा है, ले लिया मैंने, बगैर ले लिया। यही बिक रहा है, 1100 रुपए और 1000 रुपए बिना हड्डी के। 750 कह रहे हैं, 50 कम बता रहे हैं। आप हमारी मदद करें। कैमरे में ये भी बता दूं, हमारे साथ मजिस्ट्रेट तो हैं, असिस्टेंट कमिश्नर खास बाबू, हमारा 2 भाई और भी हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ महकमों के जो अफसरान या एहलकार हैं उनको भी मजिस्ट्रेट का। तो है आप लोग कहाँ से? मैं PND डिपार्टमेंट से, सेक्शन ऑफिसर भाई दिलीप पासी फ्रॉम PND डिपार्टमेंट। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, सेक्शन ऑफिसर। दोनों भाई भी यहाँ मौजूद हमारे साथ, ये भी जो है मजिस्ट्रेट पावर इनको दिए गए हैं यकूम रमजान से लेकर 30 रमजान तक, तो ये भी आप सब डिजन में चले। आइए मैडम, चलो आइए। मैंने ये लिया जी 1000 रुपये में। ये 1000 रुपये किलो आपने दिया बिना टिकट? ये जो इन्होंने 1000 रुपये का लिया है ना, इन्होंने बगैर हड्डी का लिया है और इसमें चर्बी हटवा के फ्रेश मंगवा के लिया इन्होंने। और तुम झूठ बोल रहे थे कि मैं बिना हड्डी का देता नहीं हूँ। बगैर हड्डी का इन्होंने खुद लिया है, मेरे जितने भी इलाके से बच्चे वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें उलझाओ नहीं, आपने सब हमें उलझाओ नहीं, बस नहीं दे रहा। अभी आपने कहा कि बिना हड्डी का मैं बेच ही नहीं रहा जी, नहीं रिश्तेदार इन्होंने जिद करके लिया तो मैंने दिया। दिया ये झूठ बोला, आ जाओ इसको लेके चलो। ये इसलिए कि हमारे आने के वक्त यहाँ पे लोग फंस भी रहे थे जो ये रेट बता रहे हैं।